अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अपना कश्मीर गाय। जो पोस्ट निकाले थे आईसीपीएस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कंट्रेक्चुअल बेस पे, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊं कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ये पोस्ट थे, ये नोटिफिकेशन नंबर थी 6 ऑफ 2018, इसका आपको लास्ट डेट है फॉर्म की 29 जून 2018 को, और आप 6 जून से भर सकते थे ये फॉर्म्स। और लास्ट डेट इसकी है फीस की 30 जून 2018 को। इसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 120 है, वो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में भी, वो वीडियो आप देख लेना, वहाँ पे सब कुछ है इसके लिए, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन सा पोस्ट है, सब है वहाँ पे। अब आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको सिर्फ कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपको पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो है www.jkicps.org। वहाँ पर आपको ये ओपन हो जाएगा इनका होम पेज। होम पेज ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे जाना है ICPS न्यूज़ में, वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन एडवर्टाइज मेंटर फॉर फिलिंग अप ए वैकेंट पोस्ट इन ICPS ऑन कंट्रेक्चुअली कंट्रेक्चुअल बेस पे पोस्ट, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उनका अप्लाई ऑनलाइन एडवर्टाइज फॉर फिलिंग अप वैकेंट पोस्ट इन ICPS ऑन कंट्रेक्चुअल बेस पे वहाँ पे क्लिक करना है। इस पेज पे एग्जामिनेशन सोल्यूशन पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे सब डिटेल दी जाएगी नोटिस के बारे में, कौन कौन सा पोस्ट है सभी यहाँ पे दिया जाएगा। वहाँ पे आपका यहाँ पे सिलेबस भी है इसके लिए, जो पोस्ट है सभी के लिए सिलेबस भी है। ये आप देख सकते हैं नीचे सिलेबस भी है, ये नोटिस भी है। यहाँ पे फिर आपको अप्लाई करना है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे आपका लास्ट डेट क्या है सभी है, फी की लास्ट डेट क्या है सभी है, कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये सब है। ये पोस्ट भी है। फिर आपको नीचे जाना है, फिर आपको क्या करना है, रजिस्टर टू अप्लाई। रजिस्टर पर अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर और साइन अप पे करना है क्लिक। वहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल क्या है, फीमेल है या जेंडर आपकी, ईमेल लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, यूज़र नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, फिर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको सक्सेसफुली आ जाएगा कि आपका लॉगिन हो चुका है। फिर आपको फिर से ये पेज ओपन हो जाएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे फिर आपको ये पेज फिर से ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है, फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका फिर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अप्लाई पोस्ट पे क्लिक करना है, जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर फिर से ये बता दिया एप्लीकेशन लास्ट डेट है सब। फिर आप जो जिसके लिए आपको अप्लाई करना है वो पोस्ट आपको यहाँ पे लिख के लिए अप्लाई करना है। मेरी है ये अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, फोटो आपको, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सब अपलोड करना है वहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, एज सब, जो वीडियो में पिछले वीडियो में आपको बताया क्या वेटेज रहेगी वो भी मैंने आपको बताया। इसके फी आपको पता है 300 रुपये। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी जनरल डिटेल्स लिखनी है, यहाँ पे क्या आपका नाम है, सब क्वालिफिकेशन क्या है, कॉमर्स बी कॉम है, यहाँ पे मेल जो आपकी होगी वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी जिसके लिए आप, फिर आप एड्रेस आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट सेंटर करना है, कहाँ पे आप सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट प्रोविजन कौन सा है, कश्मीर है, फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आपका। फिर आपको पिन कोड सब लिखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी, पास या मोबाइल नंबर। फिर आप अगर आपके पास PRC यानी स्टेट सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे यस कर, अगर नहीं है तो नो। फिर ये डिक्लेरेशन करना है आपको यहाँ पे टिक। फिर आपको वेरीफाई करना है, जब आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कंग्रेट्स, नो एरर। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप अपडेट करने, एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन पासवर्ड ये लिखना है, एग्जामिनेशन नेम कौन सा था आपका, BCOM है वहाँ पे, पासवर्ड ईयर कब किया है, यूनिवर्सिटी का नाम, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, मिनिमम मार्क्स क्या थे, यहाँ पे खुद आपको परसेंटेज आ जाए, और आपको अप टू 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स लिखने हैं। फिर अगर आपकी हायर कॉलेज तो आप येस लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नो। अगर आपकी डॉक्टरेट डिग्री है तो आप येस फिर आप नो लिख सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपका ये पेज ओपन हो जाएगा कि आपका फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पे आपको पहले अगर फोटो यहाँ पे अपलोड करना, यहाँ चूज फाइल आपको करना है, फिर आपको फिर यहाँ पे अपलोड करना है। फिर ऐसे ही सेम सिग्नेचर, फोटो आपने अपलोड किया, फिर अपलोड करना है,
ऐसे ही फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। मैं आपको बताऊंगी फोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, वो 20 to 50 KB होनी, सिग्नेचर 10 to 20 KB, थंब इम्प्रेशन 10 to 20 KB होनी चाहिए। इसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेट आपके लिए वीडियो बना के आप कैसे वो क्रॉप कर सकते हैं मर्जी, इस साइज़ में आप कैसे ये फोटो बना सकते हैं। फिर आपको इसके बाद ये जब अपलोड आपने किया, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के पे क्लिक पे करने के बाद आपको ये व्यू एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, पोस्ट अपला डिस्पोस्ट के लिए आपने कह रहा है जनरल, जो कैटेगरी आपने सब डिटेल आ जाएगा यहाँ पे आपके ये सभी। फिर आप अगर आप एडिट कर सकते हैं, आपको लग रहा है ये गलत है इसमें इन्फॉर्मेशन, तो आप एडिट कर सकते हैं। फिर आपको आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। आई कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपका एक और पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज फिर से ये कन्फर्म के लिए कि जो आपने यहाँ पे डिटेल सबमिट की है आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको फी के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना, अगर आप पे लेटर भी कर सकते हैं, पे यहाँ पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन नेट बैंक के थ्रू या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेटर करता हूँ। यहाँ पे हो गया है मेरे अप्लाई मैंने किया है इस पोस्ट के लिए, ये देख सकते हैं आप, मैंने अप्लाई किया 6 of 2018, ये नोटिफिकेशन डेट ये है। फिर अप्लाई फॉर स्टोर कीपर कम कलर, या मैंने आपको ये अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए मैंने आपके लिए ये अप्लाई किया है, इस पोस्ट के लिए मैंने दो पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अगर खराब लगा डिसलाइक का बटन दबा दीजिए। हाँ गाइस, ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल अपना कश्मीर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ गाइस, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ गाइस, मैं आपको जो फोटो है इसकी साइज़ का कैसे आप रिड्यूस कर सकते वो अगला वीडियो आपको जल्दी आ जाएगा हमारे चैनल पर। हाँ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।